आज यू में और टीवी आ पहुंचा है सीधी सी सादी सी गुंजन के पास, जो मुंह से तो कुछ नहीं बोलती है लेकिन इशारों इशारों में मीठी मीठी बातें कर ऑडियंस के दिलों में मीठा सा रस घोलती है। आज हम देखेंगे कि सिमरन कैसे बनती है योगी की बीवी गुंजन श्रीवास्तव। यूमियो टीवी पहुंचा इशारों इशारों के सेट पे, जहां हम आपकी आज खास मुलाकात करवाएंगे सिमरन से, यानी गुंजन से। वेलकम सिमरन। हाय हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ओके, तो आज क्या कुछ खास जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी देखने को मिलेगी, तो किस तरह से होती है बेसिकली? सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरे बाल छोटे छोटे हैं, क्योंकि मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। मुझे बड़े बाल भी अच्छे लगते हैं, बट बिकॉज इट्स ऑलवेज हॉट इन मुंबई, तो आई लाइक शॉर्ट है। तो जो गुंजन है उसके इतने शॉर्ट है नहीं है। यूजुअली मैं नहीं पहनती हूँ, बट आई डोंट नो, टुडे मेरा लेट कॉल टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंडियन पहनती हूँ। ये जो चप्पलें हैं और इवन दिस, ये मैं उदयपुर से लेके आई हूँ, क्योंकि आपको उदयपुर में ही ऐसा दिखेगा, इतना ब्राइट कुछ वर्क। हाँ, तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट, एंड मैंने पहन लिया क्योंकि इतने दिन से पड़ा था कबर्ट में। बट या गुंजन का जो गेटअप है वो एकदम ही अलग है। लंबे बाल हैं उसके, एंड वो उस पर सटल कलर्स यूजुअली यूज़ करते, क्योंकि वो खुद एक थोड़ी सी सेमी सी सटल कैरेक्टर है, जो मतलब सेंसिटिव है, अफेक्ट हो जाती है। तो या एंड पर्सनली ऑल्सो मुझे सटल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल ट्रेंड में है ब्लू पीच, पीच इज़ माई फेवरेट, तो आई थिंक अभी मैं पीच ही पहनने वाली हूँ। एंड मुझे वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट सिग्निफाइज पीस एंड आई लव पीस। तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का दुपट्टा है, उस पर बहुत अच्छा वर्क है, सो आई विल बी वेयरिंग दैट। एंड मेकअप हेयर पूरा रेडी करके फिर आप देखेंगे तो आपको एकदम ही अलग इंसान नजर आएगा, और अभी एकदम अलग इंसान नजर आ रहा होगा। तो स्टार्ट कर, आई थिंक मेकअप से ही शुरुआत होगी। या उसमें भी बहुत कुछ है, सो यू कैन कवर इट। पहले कंसीलर होगा एंड देन बेस एंड देन, लड़कियों को बहुत मेहनत लगती है तैयार होने में। फाइनली जो इंसान मुझे खूबसूरत दिखाता है, यू कैन सी आई स्टार्टेड इज मेकअप, एंड नाउ लेट्स सी कि मेरे मेकअप में क्या क्या होता है। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इज़ आई थिंक कंसीलर, क्योंकि मेरी आईज थोड़ी सी अंदर है, तो इट डिपेंड्स ऑन फेस टू फेस कि जिसके फेस में, किसके फेस में क्या प्रॉब्लम है। सो मेरे फेस में आई थिंक माय अंडर आईज इज द पार्ट वेयर आई हैव टू टेक केयर, अदरवाइज इट्स प्रीटी सिंपल। सिमरन से गुंजन बनने का सफर बेहद सादगी भरा है, क्योंकि अपने शो में गुंजन मोस्टली नो मेकअप लुक में रहती है और गुंजन की यही सादगी तो सभी को लुभाती है। मेकअप स्टार्ट हो चुका है, कंसीलर लग चुका है, बेस भी हो गया है। देखिए अपने वक्त का सिमरन कैसे सदुपयोग कर रही है। मेकअप करवाते करवाते सिमरन अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़ रही है। बेस हो गया है एंड कंसीलर तो आपने देखा पहले, एंड देन बेस एंड देन पाउडर से उसको सेट किया, देन दादा ने आई शेडो किया, तो आई थिंक उन्होंने ऊपर एक अलग कोट अलग कलर किया हुआ है एंड अंदर एक ब्राउन का शेड है, एंड विच मेक्स मी लुक लाइक, मैंने मेकअप किया भी है बट इट मेक्स मी लुक लाइक नेचुरल, इट्स लाइक अ नो मेकअप लुक। एंड नाउ इज़ गोना डू अ लाइनर, आईब्रोज किए उन्होंने फिल, ताकि क्योंकि बेस करते हैं तो आईब्रोज का इफेक्ट वो थोड़ा सा कम हो जाता है, सो वी हैव टू फिल आवर आईब्रोज विद कलर। इज देयर एनी फेवरेट पार्ट ऑफ योर मेकअप, मतलब कोई चीज जो आपको मेकअप? आई लव मस्कारा, आई लव मस्कारा, देखा दादा ने हाँ हाँ किया, बट मैं नहीं करती हूँ ज्यादा, क्योंकि फिर जब रात को निकालती हूँ तो सब आंखों में घुस जाता है, बट आई लव डूइंग इट। We'll be right back.
अब देखिए लगने लगी है ना सिमरन थोड़ा थोड़ा गुंजन। Yes, तो almost ready होगी, सिंदूर भी लग चुका है। Yeah, I am almost ready. I think सिर्फ lip balm बचा है, तो I'll do it later. And now I'm gonna get ready with my hair. So अभी दी चोटी लगाएं बनाएंगी सागर चोटी एंड देन उस पर विग लगेगी क्योंकि मेरे लंबे बाल नहीं है एंड आगे से कर्ल्स होंगे सो दैट इज़ द लुक एंड देन आई विल बी ऑल सेट आई विल हैव टू जस्ट चेंज एंड आई विल बी रेडी। As you can see, मेरे बाल लंबे हो गए हैं। I'm done with my hair and as I said, curls मेरा look है, so वो curls हुए हैं and I'll just change now और मैं completely ready हो जाऊंगी गुंजन के character में। कहना पड़ेगा पीच कलर का अनारकली सूट विद व्हाइट दुपट्टा गुंजन पर बेहद खिल रहा है, उनके गोरे रंग को और निखार रहा है। सो फाइनली गुंजन के अवतार में आई गई अब अपने लुक में, कैरेक्टर के लुक में, थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए व्यूअर्स को। फाइनली मैंने ये सटल कलर वाला जो अनारकली है ये पहन लिया एंड यू कैन सी दैट हर लुक इज ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी गर्ली। तो ये जो चप्पल हैं वो फ्लोरल हैं, मतलब फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड शी इज़ अ वेरी काम पर्सन। सो यू कैन सी द वाइट कलर दुपट्टा एंड द वर्क ऑन इट एंड ऑल इट्स वेरी इंडियन एट द सेम टाइम इवन इफ इट्स सटल क्योंकि इट्स कंप्लीट दुपट्टा कंप्लीट सलवार सूट वाला अनारकली वाला लुक एंड या आई लाइक द वर्क द पर्ल वर्क। यूजली दे गिव मी पर्ल वाला वर्क या फिर सम डिज़ाइन या सम मोती यही देते हैं वो मुझे। ग्रेट। सो फाइनली व्यूवर्स से फैन से क्या कहना चाहेंगी अपनी गुंजन वाली अंदाज में? इट्स थैंक यू मुझे देखने के लिए टीवी शो में। आप सब ठीक हैं? ऑलवेज स्टे हैप्पी। ग्रेट। इतने मतलब अलग किरदार मिले आपके करियर का, एक अलग ही रोल है, कितना मज़ा आता है करने में और व्यूवर से कैसे रिस्पॉन्स आता है? टू बी रियली रियली ऑनेस्ट, मुझे पहले से पता था कि दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट रोल, इसलिए मैं करना चाहती थी। बट शुरू शुरू में मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी बार सब बोलते थे कि बहुत आर्टिफिशियल हो रहा है क्योंकि इट्स नॉट ईजी प्लेइंग अ म्यूट पर्सन। साइन लैंग्वेज सीखना डिफ़िकल्ट था एंड मेरा ऐसा था कि मैं शो में हूँ भी और नहीं भी, कभी बीच में ट्रैक नहीं था फिर था, तो उस दौरान में मैं आप भूल भी जाते हो। तो लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो कर करके मज़ा आने लगा है और सीखने की चाहत है। पर पहले बहुत चैलेंजिंग था और ऐसा लग रहा था मे बी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मे बी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। थैंक यू सो मच। कैमरा मैन विनोद के साथ शिल्पा पाटिल, E24 मुंबई।